हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं. दिस इज़ द 10th यूनिट. सो टुडे वी विल बी डीलिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस सेक्शन. सो इन दिस वी विल बी डीलिंग अबाउट वॉट आर मेंट बाय द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, वॉट आर द टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स एंड वॉट आर देयर कैटेगरीज. ओके, सो टू स्टार्ट विथ, फर्स्ट हम ये डील करेंगे कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स किस चीज़ को कहते हैं, किस कंडीशन में हम कहेंगे कि ओके दिस इज़ एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर. सो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज एनी कंडीशन दैट अराइजेज ड्यू टू अ वर्क प्लेस और अ वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, एक व्यक्ति जहाँ पे काम करते हैं उस काम करने के पर्यावरण से एसोसिएटेड अगर कोई बीमारी उन्हें हो रही है, सो दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स. ओके, सो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज आर डिफाइंड एज diseases arising out of or in the course of employment. So now the next thing is classification. So यहाँ पर classification में कई तरीकों से हमने occupational disorders को classify किया है. The first classification is according to the physical agents. Physical agents जो हमें environment में physical agents मिलते हैं, like heat, cold, pressure, these things, radiations, these all comes under the physical agents. Okay, so अगर हम heat के बारे में बात करें तो गर्म environment की वजह से लोगों को hyperpyrexia होने के chances हैं, excessive body temperatures होने के, exhaustion होने के, heat exhaustions या फिर heat syncope जो weakness या vertigo feel होते हैं, वो सारी चीज़ें hot environment से होने के chances रहते हैं. Okay, now when we talk about the cold environment, उसकी वजह से frostbite होता है, जिसकी वजह से द एरिया बिकम सडनली कॉन्ट्रैक्टेड एंड द ब्लड सर्कुलेशन इज़ नॉट प्रॉपर देयर एंड वहाँ पर टिश्यू रप्चर, टिश्यू डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, सो दैट इज़ फ्रॉस्ट बाइट कॉज ड्यू टू द कोल्ड एनवायरमेंट. नाउ इट कैन बी द रीज़न बिकॉज ऑफ द लाइट, लाइट की वजह से ऑक्यूपेशनल कैटरैक्ट होने के चांसेस हैं. आपने स्टार्टिंग में जो आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे उसमें आपने कैटरैक्ट के बारे में पढ़ा, कैटरैक्ट मोतियाबिंद होता है. सो कैटरैक्ट की वजह, कैटरैक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है लाइट का, इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट का जो है, उस वजह से ऑक्यूपेशनल कैटरैक्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज़ प्रेशर. प्रेशर की वजह से एयर एम्बोलिज्म होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं. आई होप यू रिमेंबर दैट एम्बोलिज्म इज़ अ कंडीशन व्हेन समथिंग एयर मॉलिक्यूल और अ फैट मॉलिक्यूल इज़ पासिंग इनटू द ब्लड वेसल्स. ओके, सो दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द सर्टेन प्रेशर कंडीशंस अ पर्सन इज़ वर्किंग इन. नॉइज़ की वजह से ऑक्यूपेशनल डेफनेस होने के चांसेस हैं. रेडिएशन की वजह से कैंसर्स, बर्न्स होने के चांसेस, एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं. मैकेनिकल फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से इंजरीज या एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिकल बर्न होने के चांसेस रहते हैं. सो ये कुछ फिजिकल एजेंट्स थे जिनकी वजह से कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हमने कोट किए हैं कि ये कंडीशंस इन फिजिकल एजेंट्स की वजह से हो सकता है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू द फिजिकल एजेंट्स. नाउ द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज़ अकॉर्डिंग टू द केमिकल एजेंट्स. तो उनमें क्या डिसऑर्डर्स या उनमें क्या कंडीशंस होते हैं. फर्स्ट इज़ गैसेस. जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, अगर वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गैसियस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर है उसमें काम कर रहे हैं जहाँ गैसेस का बहुत एक्सपोजर है, तो गैसेस की वजह से वो जो गैसेस हैं वो इनहेल करने की वजह से गैसियस पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं डस्ट के बारे में. किसी भी तरीके के फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ डस्ट हो सकते हैं. उन डस्ट के, डस्ट इन द सेंस वो जो पार्टिकुलेट्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बहुत ईजिली इन्हेल हो पाते हों, ऐसे इन्हेलेशंस की वजह से देर आर चांसेस कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. यहाँ पे हमने डस्ट में देखा है कि डस्ट को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, वन इज़ इनऑर्गेनिक एंड वन इज़ ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक आर द डस्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सब्सटेंसेस विच अकर नेचुरली एज अ प्लांट.
ठीक है। सो प्लांट्स के तौर पे जो चीज़ें हमें मिलती हैं, प्लांट्स का जो बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसके जो मैन्युफैक्चर में डस्ट निकलता है उसको हम ऑर्गेनिक डस्ट कहते हैं, और जो उनमें नहीं इंक्लूड होते हैं दैट कम्स अंडर द इनऑर्गेनिक डस्ट, जैसे मेटल्स में। ओके, सो मेटल्स में लाइक कोल डस्ट, कोल डस्ट की वजह से अगर डिसऑर्डर होता है, इन्हेलेशन डिसऑर्डर आते हैं, सो उसको हम एंथ्रेकोसिस कहते हैं। सिलिका, सिलिकॉन जो है सिलिकोसिस कहते हैं उसको। एस्बिटोस की वजह से एस्बिटोसिस होता है, एंड आयरन की वजह से सिट्रोसिस होता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस दैट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डस्ट विच हैपन्स ड्यू टू द इनऑर्गेनिक डस्ट। ओके, सो बिफोर दैट वी विल ऑल्सो सी दैट द डस्ट विच कॉजेज द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, इनहेलेशन डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, उन्हें एक पूरे तरीके से क्लासिफाई करके कहा जाता है कि देज आर निमोकोनियोसिस। ठीक है, निमोकोनियोसिस इज द डिसऑर्डर दैट इज कॉज बिकॉज ऑफ द डस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक डस्ट। इनऑर्गेनिक डस्ट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द, कितना टाइम हो गया? सो द ऑर्गेनिक पार्ट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स सब्सटेंसेस लाइक कॉटन। सो कॉटन डस्ट की वजह से जो इनहेलेशन डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड एज बाइसिनोसिस, एंड टोबैको की वजह से जो होता है दैट इज टोबैकोसिस। ठीक, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे, हम इसको इलैबोरेटली आगे पढ़ेंगे, एक एक डिसऑर्डर्स में, एक एक इनहेलेशन डिसऑर्डर्स में ऑक्यूपेशन के हम पढ़ेंगे कि एक एक डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, किस वजह से होता है, कितने एक्सपोजर के बाद, मतलब कितने टाइम एक्सपोजर के बाद ये डिसऑर्डर्स आते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें आगे की क्लासेस में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू व्हाट द क्राइटेरियाज आर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेटल एंड देयर कंपाउंड्स। सो मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, डस्ट के अलावा, मेटल का डस्ट है तो हमने इनऑर्गेनिक डस्ट में बात कर ही लिया, डस्ट के अलावा मेटल्स के एक्सपोजर से और भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे लीड जहाँ पे यूज़ होता है या मर्करी जहाँ पे यूज़ होता है उसके अब्जॉर्प्शन की वजह से या स्किन में उसके एक्सपोजर की वजह से हो सकता है कि कुछ डिसऑर्डर्स हों। सो दैट कम्स अंडर मेटल्स एंड देयर कंपाउंड ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट कैन बी केमिकल कॉम्पोजिशंस की वजह से, लाइक एसिडिक कॉम्पोजिशंस हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए या बेसिक कॉम्पोजिशंस हो गए, उनकी वजह से भी देयर कैन बी डिसऑर्डर्स हैपनिंग इन एन ऑक्यूपेशनल सेटअप। द नेक्स्ट थिंग इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैन बी बिकॉज ऑफ द बेंजीन, बिकॉज ऑफ क्लोरोफॉर्म और अदर टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स दैट हैपन्स। आई होप यू रिमेंबर इन केमिस्ट्री दैट वी हैव सोल्यूट, वी हैव सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट जैसे मटेरियल्स होते हैं, बेंजीनॉइड्स जैसे होते हैं, क्लोरोफॉर्म जैसे होते हैं, उनकी एक्सपोजर की वजह से भी वो जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता होगा उस जगह के लोगों को ऐसे डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं। सो दैट कम्स अंडर सॉल्वेंट ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। ओके, सो दीज ऑल केम अंडर द केमिकल एजेंट्स दैट कैन कॉज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से। बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से जहाँ पे एक व्यक्ति काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कोई वेक्टर है तो उसकी वजह से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक एंथ्रैक्स हो सकता है या टेटनेस हो सकता है। बहुत रस्टेड आयरन के साथ काम कर रहे हैं और उससे अगर खरोच लग जाती है तो टेटनेस होने के चांसेस हैं। सो दीज कम्स अंडर द बायोलॉजिकल एजेंट फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डिजीजेस दैट अराइज ड्यू टू द साइकोलॉजिकल ओरिजिन। बहुत ज़्यादा एक डेली शेड्यूल प्रॉपर ना होने की वजह से, प्रॉपर खाना खाने का टाइम नहीं मिल पाता होगा या पानी ठीक से नहीं पी पाते होंगे, दीज ऑल कम्स अंडर द साइकोलॉजिकल सिचुएशंस। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम कर रहे हैं तो इस वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है इन एन ऑक्यूपेशनल सेटिंग। ओके, नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द ऑक्यूपेशनल कैंसर। ऑक्यूपेशनल कैंसर जहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पे स्किन, लंग्स या ब्लैडर
में कैंसर होने के चांसेस है. ओके, व्हेन वी सी स्किन, लंग्स एंड ब्लैडर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किन, लंग्स और ब्लैडर. इट कैन बी द कैंसर ऑफ द बोन्स ऑल्सो, इट कैन बी कैंसर ऑफ एनी अदर पार्ट ऑल्सो. सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि जिस पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करेगा, रेडिएशनल एरियाज में जहाँ काम कर रहे हैं या किसी ऐसे केमिकल के साथ काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन्स का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ओके, एंड द लास्ट वन इज़ ऑक्यूपेशनल डर्माटोसिस. डर्माटोसिस इज़ ऑल दीज डिसऑर्डर्स दैट रिलेट्स टू द स्किन. सो स्किन में डर्माटाइटिस होने के चांसेस हैं, स्किन में एक्जिमा होने के चांसेस हैं, पर्प्यूरिक रैशेस आने के चांसेस हैं. सो दीज ऑल कम्स अंडर द ऑक्यूपेशनल डर्माटोसिस. सो दीज वर ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि किस किस एजेंट्स की वजह से किस किस तरीके के ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं उन व्यक्तियों को जिनके यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर काम चल रहा हो. सो व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दिस, क्योंकि हम एक क्लिनिकल नर्स की तरह जब काम करेंगे, सो हमारे पास जो पेशेंट्स आएंगे तो हमें पता होना चाहिए व्हेन वी टेक देयर हिस्ट्री कि वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं. तो वी हैव टू रिलेट दैट ओके दीज पीपल वर्क इन सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, सो दैट इज़ द रीज़न जिस वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हुई है. या फिर हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हेल्थ टॉक देने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम और किस चीज़ की कितने एक्सपोजर की वजह से क्या डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं. तो हम उन्हें एडवाइस करें कि उन्हें किस चीज़ से रिफ्रेन करना चाहिए, कब पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्हें बता के देने के लिए पहले हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स एंड व्हाट आर देयर क्राइटेरियाज. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट. फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डीलिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिसऑर्डर्स दैट कम्स अंडर ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स. सो जस्ट गो थ्रू इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.